ये तस्वीर गवाह है भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत की। ये तस्वीर गवाह है दुनिया में भारत के दबदबे की। इस तस्वीर में दिख रहे लोग वो हैं जो मौत के मुंह से बचकर अपने वतन लौटे हैं। ये सभी लोग भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक हैं, जिनकी कतर से सकुशल भारत वापसी हुई है। दरअसल कतर ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया था। उनमें से 7 अपने देश सोमवार सुबह लौट आए। भारतीय लोगों को कतर में अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इन सभी पर जासूसी का आरोप था, जिसके चलते उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत के अनुरोध पर सभी को रिहा कर दिया गया। वहीं कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि भारत सरकार की कोशिशों के कारण भारत आना संभव हो पाया है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ, थैंक यू। सेम थिंग। वहीं दूसरे भारतीय ने अपनी आपबीती सुनाई और कहा भारत आने के लिए 18 महीने का इंतजार बहुत मुश्किल था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का दिल से आभार जताया। वी हैव वेटेड ऑलमोस्ट 18 मंथ्स टू बी बैक इन इंडिया। We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या था। भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई जासूसी के आरोप में की गई थी। नौसेना के इन पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त भारत ने सभी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया था। साल 2023 में भारत ने मौत की सजा पर अपील दायर की थी। आखिरकार 18 महीने बाद भारत की जीत हुई और 7 भारतीय नागरिक अपने मुल्क वापस आ गए। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।